बुलंदशहर के गुड्स व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। गुड्स व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को गोली मारकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। थैले से भरा रुपया लूट कर ले गए बदमाश। गुड्स व्यापारी प्रदीप अग्रवाल को किया हायर सेंटर रेफर। हालत नाजुक बताई गई है। आनन फानन में पुलिस मौके पर घटना की बारीकी से जांच में जुटी। बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गोपाल जी डेयरी के पास की घटना है। तब हटेंगे जब कातिल पकड़े जाएंगे। 4 लाख रुपए की लूट हुई है, उसकी हत्या की गई है। बदमाशों की पूरी संख्या याद ज्ञात नहीं है, लेकिन कम से कम 4 बदमाश जरूर थे। अज्ञात बदमाश है अभी तक। आज तक ऐसा नहीं हुआ वो बदमाश व्यापारी को खा गया। क्या क्या मांगे व्यापारी? हमारी मांगे कुछ नहीं, हमारी मांगे ये है जल्दी से जल्दी हत्यारे गिरफ्तार हो और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये आज सुबह लगभग 9:30 के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल, और इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बे के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। पारिवारिक जनों द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपये कैश था। और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपये के कर्जदार थे, तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी 3 टीमें इस अभियोग के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सर, प्रारंभिक जांच में कारण क्या बताया गया इस घटना? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं प्रकरण लूट का है, लेकिन रंजिश के एंगल से भी हम लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी इनके विवाद कई ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके साथ इनका लंबा लेन देन का विवाद चल रहा है।